आज यहाँ पे थर्ड आई टी है भाई, मतलब कि लिख पाए नहीं लिख पाए ये सब दूसरी बात है, नाश्ता पानी कर लेना चाहिए। बाकी चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है भाई। देख सकते हो कैंटीन, बीबीसी, यहाँ B1 होगा कहीं B2। ये आ चुके हैं हमारे द मैन, द मिथ, द माही, हम सबके फेवरेट। आज मैगी नहीं बनाऊंगा, आज बनाऊंगा तहलका मैगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जान सकते हैं, आज यहाँ पे थर्ड आईटी है भाई, मतलब कि दूसरे आईटी से 5 ही 10 ब्लॉग ज्यादा होगा, अब थर्ड आईटी शुरू हो गया यहाँ पे काफी जल्दी इस सेमेस्टर। और आईटी वगैरह आज वैसे थर्ड आईटी है और देखा जाए क्या होता है। बाकी अभी तो हम लोग पहले उठ चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं नाश्ता करने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आईटी 9 बजे से होता है, तो आईटी के लिए पहले उठ जाते हैं। तो चलो गाइस नाश्ता कर ले, ये बढ़िया काम करते हैं। आईटी वगैरह हो, कुछ लिख पाए नहीं लिख पाए ये सब दूसरी बात है, नाश्ता पानी कर लेना चाहिए। बाकी आईटी में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो हुआ ही नहीं है। तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, बाकी पीनट बटर वगैरह है, दूध वगैरह है, ये सब काफ़ी अच्छा चीज़ है। और अब हम लोग चल रहे हैं कॉलेज के लिए। यहाँ पे देख सकते हो अपना B5 बन रहा है, और B5 काफ़ी तेज़ी से बन रहा है, और यहाँ पे B7 भी बन रहा है, और काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं यहाँ पे एक ना एक। और बाकी अब हम लोग का क्लास हो चुका है ख़त्म, तो हम लोग चल रहे हैं अब हॉस्टल, और अब करते हैं आराम। यहाँ पे देख सकते हो B7 अपना, ये पता नहीं कब तक बन जाएगा, मुझे भी इसी का इंतज़ार है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं क्लास वगैरह करके। वैसे अभी 2 क्लास बाकी है। मंडे को असल में होता ही है कि लंच के पहले एक पीरियड खाली रहता है और लंच के बाद क्लास रहता है, तो इसीलिए हम लोग आ गए क्योंकि करने का मन नहीं कर रहा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और 2 ही क्लास के लिए, अभी 1 ही क्लास के लिए कौन रुकेगा, इसलिए हम लोग आ चुके हैं। बाकी अभी थोड़ा देर आराम करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी इस बार का आईटी काफी बढ़िया हो रहा है भाई। नहीं, मैं नहीं मानता। इस बार एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आया था, ट्रू फॉल्स आया था, और बस 2 ही क्वेश्चन था जो इसमें थ्योरी था जिसमें लिखना था, मतलब कि इस बार पेपर में ही पेपर दो, उसी में करो और उसी में सबमिट। ये वाला सही आईटी, और ऐसा सेमेस्टर वगैरह ऐसा चारों होना चाहिए, सब होना चाहिए, सेमेस्टर वगैरह भी ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है भाई। बाकी ठीक है गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, अब थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ काम मिलेगा तो कर ही लिया जाएगा, बाकी नहीं तो सो ही जाएंगे, क्या ही जरूरत है काम करने का। ठीक है गाइस, मिलते हैं बाद। A few moments later. और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अपना न्यू बॉयज़ हॉस्टल बन रहा है, मतलब कि एक अपना टैगोर बॉयज़ हॉस्टल तो है ही, उसी के साथ एक न्यू बॉयज़ हॉस्टल भी बन रहा है, तो उसका भी अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बॉल, पिलियल बॉल। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। उधर गार्गी भी देखते हो, गार्गी बन रहा है भाई, नई नई चीज़ें बनती ही जा रही हैं, काफ़ी अच्छी बात है ये सब। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग अपना खाना पानी खा चुके हैं, और अब चलते हैं ऊपर। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग आए थे बीबीसी की तरफ, तो यहाँ पे पूरा लाइट कट चुका है भाई, ये मतलब कि बीबीसी के पास का सीन है, पूरा लाइट कट चुका है, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है भाई। देख सकते हो कैंटीन, बीबीसी, यहाँ B1 होगा कहीं B2 होगा, कुछ नहीं दिख रहा है, दूर कहीं लाइट जल रहा होगा तो वही दिख रहा है भाई, इतना अंधेरा हो चुका। और ये कम से कम 5-6 मिनट के लिए कटा था, तो काफ़ी ख़तरनाक बात है ये। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर। बाकी आज देख सकते हो आज है चेन्नई का मैच, और यहाँ पे आ चुके हैं हमारे द मैन, द मिथ, द माही, हम सबके फेवरेट MS धोनी आ चुके हैं यहाँ पे, और बस मैच जीतने ही वाले, और ये चेन्नई मैच जीत भी गए, सबसे बड़ी बात। गाइस आज हम लोग यहाँ पे रूम पे मैगी बना रहे हैं भाई, और मास्टर शेफ उमर। आज मैगी नहीं बनाऊंगा, आज बनाऊंगा तहलका मैगी। अरे बाबा भाई रख दो उसे, रख दो। यहाँ पे देख सकते हैं मैगी बनेगा आज। अरे वो तहलका मैगी मत बना भाई, प्लास्टिक प्लास्टिक खाना पड़ेगा, कैटल दोनों बस कहाँ दिखाई देता है भाई, कहाँ से चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लाइट है ना, अभी देखो बंद है, अभी बंद हो रहा है, अभी देखे तो अब इसी में मैगी बनेगा भाई। और मास्टर शेफ उमर उमर मोहम्मद उमर खान काफी अच्छा बिरयानी वगैरह नहीं बना पाते हैं, इसलिए गजब बेइज्जती है, इसलिए मैगी बना रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, हम लोग मैगी वैगी निकाल के रख चुके हैं, उधर पानी गर्म हो रहा है दोनों कैटल में, और वहाँ मसाला वगैरह रखा हुआ है, और तहलका मैगी बनने की तैयारी ऑन टॉप चल रही है,
बाकी ये देखते कि इतना सारा मैगी है गाइस, इतना सारा मैगी है कि खा के पेट भर जाएगा आराम से आदमी का। और यहाँ पे देख सकते हो बनना शुरू हो चुका है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैगी बन रहा है, तहलका मैगी यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे नॉर्मल मैगी बन रहा है भाई जो जल गई है। और वहाँ पे देख सकते हैं गौरव भाई को, माई एफर्ट इन एवरी वर्क, एवरी टीम वर्क। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का तहलका मैगी बन के रेडी हो चुका है और कितना ही टेस्टी दिख रहा है भाई। और यहाँ पे ये नॉर्मल मैगी है, तहलका मैगी भाई उमर भाई, और ये नॉर्मल मैगी हम टेस्ट कर रहे हैं भाई। और तहलका मैगी ये भी मैगी एकदम बढ़िया है, बट ये भी मैगी बेस्ट है भाई। तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैगी बन चुका है, ये तहलका मैगी और ये नॉर्मल मैगी। नॉर्मल मैगी और तहलका मैगी में सबसे पहले आप कलर का ही डिफरेंस देख सकते हैं, बाकी सेफ से पूछते हैं बाकी और क्या डिफरेंस है। तो ये वाली जो तहलका मैगी है मसालेदार ज्यादा होती है। जी जी, तो सादा मैगी बच्चों के लिए होती है। अच्छा। तहलका मैगी हम जैसों के लिए, बड़ों के लिए होती है। ओ। जो तहलका मैगी है वो बनाने के बाद आप इक्विपमेंट दोबारा यूज नहीं कर सकते। सादा मैगी रीयूजेबल, बस बाकी तो फिर आप खा के बता पाएंगे। काफी टेस्टी है भाई, खाइए आप अभी। An hour later. तो भाई लोग जैसे कि आप सभी जान सकते हैं हम लोग मैगी वगैरह खा चुके हैं और आज तहलका मैगी बना था जो कि काफ़ी खतरनाक बना था भाई। उमर भाई ने बनाया था नया डिश तहलका मैगी, काफ़ी खतरनाक बना था। और यहाँ पे खाने का दिक्कत यही होता है कि बाद में बर्तन भी धुलना पड़ता है, तो मेन दिक्कत वही होता है। बाकी अब हो चुका है सब कुछ हम लोग का। बाकी कल, वैसे कल IT है ईवीएस का ईवीएस का तो IT आज ही था। सॉरी सर, वाह मोदी जी वाह वाह, सॉरी भूल जा रहे हैं ना, कल इलेक्ट्रिकल का IT है। तो इस बार IT काफ़ी इजी हो रहा है, मतलब कि उसमें MCQ वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन फिर इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स ये सब आ रहा है, तो अच्छा जा रहा है IT। और बाकी इलेक्ट्रिकल का देखा जाए, क्योंकि आज तो आसान सब्जेक्ट था तो आज तो अच्छा ही जाना है। बाकी एक और बात है, कल उमर भाई हम लोग चले जाएंगे भाई। उमर भाई घर जा रहे हो? ईद है गाइस, ईद आ रहा है गाइस, आप सबको ईद मुबारक, अभी से ही मुबारक। ये असल में इंग्रेडिएंट था तहलका मैगी का, डालना भूल गए, ये बाकी रह गया क्योंकि इनके हिसाब से काफी कुछ उसमें डालना था और भी, जो कि बच गया। खैर चलिए बच गया, हम लोग भी बच गए कहीं ना कहीं। बाकी उमर भाई कब आओगे वापस? 23। काफी लंबा छुट्टी कर रहे भाई। हाँ मैं बीमार होने वाला हूँ असल में, घर तो प्रिडिक्शन काफी अच्छी है भाई आपकी, जरा IPL का भी कर दो। RCB नहीं जीत रही। क्या पता RCB इस बार ट्रॉफी जीत जाए भाई, क्योंकि ये जो भी बोलता है उसका उल्टा होता है भाई, इसलिए मार्क हिज वर्ड। तो ठीक है गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइज।